बताएं यहाँ कौन भर्ती है और क्या स्थिति है। मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है, मैं वैसा एडमिट है। यहाँ ये बाड़मेर के हॉस्पिटल की स्थिति है, सुबह 8 बजे से ये स्थिति है। देख, ना तो कोई देखने वाला ऊपर, ना कोई ध्यान रखने वाला है, ना कोई ठेकेदार है, ना कोई सरकार है, ना कोई ध्यान दे रहा। तो कितना पानी आ गया? पानी आज से बाहर आ गया, 2-2 फुट आ गए, पहले से भी बीमार है, ऊपर से पानी है। वार्डों में भी पानी भरा है, वार्डों के अंदर भी पानी है, गैलरियों के अंदर भी पानी है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ध्यान देने वाला है नहीं। जो बेड ले, बेड के नीचे से, बेड के नीचे फुल पानी है। आप देख लो, यहाँ से नजारा देख लो, लोग परेशान हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ये हॉस्पिटल की कौन सी बिल्डिंग, नई वाली है पुरानी? पुरानी वाली बिल्डिंग है हॉस्पिटल, पुरानी वाली बिल्डिंग है। वार्डों के अंदर भी पानी है, गैलरी के अंदर भी पानी है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये स्थिति है। जो मरीजों के परिजन है उनको कितना परेशान, इतना परेशान हो रहे हैं, वो अपने अंदर से देख रहे, इतना परेशान हो रहे हैं, पहले से बीमार है, ऊपर की पानी बैठने। आप अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें बाड़मेर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की है, जो बाड़मेर ज़िले का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। और यहाँ के हालात आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से फर्श पर पानी फैला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जैसे सुबह 6:30-7 बजे से बारिश शुरू हुई, उसके बाद में अस्पताल जो पुरानी बिल्डिंग है उसके पीछे पानी एकत्रित हो गया और वो पानी पुरानी बिल्डिंग होने के कारण रिस रिस कर इसके अंदर प्रवेश कर गया। अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक ओटी रूम की है जो पिछले 15-20 वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन 10-15 दिन पहले ही इसे शुरू किया गया है, जहां पर कुछ टाइल्स डैमेज होने के कारण जो पानी है वो ज़मीनी स्तर से उसका रिसाव होकर जो इस ओटी रूम में घुस आया है, और ओटी रूम से होता हुआ ये अस्पताल के वार्डों में और पूरी गैलरी जो है उसमें फैल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है वो इस पानी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वार्डों तक पानी नहीं पहुंचे और किसी भी तरह से इस पानी को बाहर निकाला जाए। जो सामने आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बाहरी बेड है और ये गैलरी है, गैलरी में किस तरीके से जो पानी है और ये वार्ड के बाहर जो बेड लगे हुए हैं, इसके नीचे पानी ही पानी है और बेड पर मरीज इलाज ले रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हर बार प्रशासन ये दावा तो करता नज़र आता है कि अस्पताल जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी मरम्मत करवा दी गई है, बावजूद इसके ऐसे हालात आखिर क्यों बने, इस बारे में कोई कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन तस्वीरें जो साफ बयां कर रही है उससे आप समझ सकते हैं कि अस्पताल की जो पुरानी बिल्डिंग है उसके हालात किस तरह के हैं। गैलरी में आप देखिए पानी ही पानी फैला पड़ा है और वार्डों के भी इसी तरह के हाल है। ये